इंस्ट्रक्टर के अनुसार एक शिप को जिस किसी भी दिशा पे मोड़ना है स्टीयरिंग को भी उसी डायरेक्शन पे मोड़ना पड़ता था। और टीलर ऑर्डर ठीक इसका उल्टा, मतलब शिप को जिस दिशा में मोड़ना है स्टीयरिंग को ठीक उसके विपरीत दिशा में घुमाना पड़ता था। और टाइटैनिक भी इसी टीलर ऑर्डर के अनुसार चलती थी, लेकिन गलती से हाइकेंस ने रडर ऑर्डर समझकर जहाज को उल्टी दिशा में मोड़ दिया, जिससे टाइटैनिक आइसबर्ग से बचने की बजाय सीधे आइसबर्ग से जा टकराई। अब टाइटैनिक का डूब जाना तय था, लेकिन कुछ छोटे छोटे चीजों पर पहले से ध्यान दी जाती तो शायद उस रात इतनी जाने ना जाती। और इन छोटी छोटी गलतियों में से एक है लाइफ बोट की कमी होना। दरअसल टाइटैनिक के सारे पैसेंजर्स को किसी भी इंसिडेंट से बचाने के लिए कम से कम 60 लाइफ बोट का होना जरूरी था, लेकिन चीफ डिजाइनर ने सिर्फ 48 बोट ही अरेंज किए थे। लेकिन बाद में ये संख्या घट के 20 पे लाया गया, क्योंकि डेक का लुक लाइफ बोट के ज्यादा रखने से ठीक नहीं लग रहा था।